हेलो दोस्त, आज कुछ एसक्यूएल सॉल्व करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज ये हिंदी चैनल में पहली बार मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लोग का बहुत प्यार बना रहे। तो चलिए एसक्यूएल फोड़ते हैं आज। तो आज पेल के एकदम एसक्यूएल करेंगे, एकदम मूड में आया हूँ मैं। और चलिए हम साथ में एकदम पूरे जोश के साथ एकदम बढ़ते हैं आगे और स्क्रीन पर देखते हैं एसक्यूएल सॉल्व करते हैं एकदम। आज तो फोड़ ही देंगे एसक्यूएल को, ठीक है? चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा दोस्तों, तो मैं इस तरह स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ओरेकल डेटाबेस कनेक्ट कर रखा है और ये डी व्यूअर है। अगर आपको इस बारे में जानना है और आपको कोई आइडिया नहीं है तो मेरे को बताइएगा कमेंट्स में। मैं डी व्यूअर को कैसे इंस्टॉल करना है और ओरेकल डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं दो टेबल्स, वो हैं एम्प्लॉय टेबल जो कि कुछ इस तरह दिखता है, जो कि 14 रिकॉर्ड्स हैं इस पर, और दूसरा टेबल है दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट टेबल जो कि कुछ इस तरह दिखता है। कोई ज़्यादा नहीं है, बस चार पांच रिकॉर्ड ही हैं। तो इस तरह हम ये चार पांच रिकॉर्ड हैं और एम्प्लॉय टेबल में बस 14 रिकॉर्ड हैं। और ये कुछ कॉलम नेम्स हैं जिस पे हम काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे एसक्यूएल के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैं जैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे मैं सिखाते जाऊंगा कुछ कुछ टॉपिक्स, जो भी डिफिकल्ट होगा वो मैं सिखाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और उसके सोल्यूशन को एक्सप्लेन करूंगा। और कहीं कहीं जगह में मैं शायद दो दो तरह तीन तीन तरह के सोल्यूशन लिख पाऊँ जो कि हमें ऐड कर जाती हैं जब इंटरव्यू में हम क्रैक करने जाते हैं। तो उस तरह पर जब हम वहाँ देखते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन का अगर हम दो और तीन तरह से आंसर कर जाएँ और उसमें हम दिखा दें कि हमारे टेक्निकल स्किल्स कितने हैं, तो सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए चलते हैं, हम देखते हैं किस तरह हम एसक्यूएल सॉल्व करेंगे और आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप एसक्यूएल नहीं भी जानते हैं तो भी वीडियो देखेंगे और हम ये एसक्यूएल की प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे तो आपको आइडिया तो आ ही जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है कि अगर आपको एसक्यूएल नहीं आता है। और बीच बीच में मैं कुछ कहावतें कुछ हंसी मजाक करता रहूंगा तो मन बना रहेगा। तो और बैकग्राउंड में शायद एक थोड़ी सी हल्की सी म्यूजिक डाल दूंगा जिससे आपका मन बना रहे और हंसी मजाक तो चलती रहेगी मेरे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं और आज कुछ एकदम जोश में फोड़ देंगे आज तो एसक्यूएल को। और यहाँ पे डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज लिखा गया है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, स्टार मतलब सब एम्प्लॉय का डेटा दिखा दें। जैसे यहाँ पे अभी बस डिपार्टमेंट टेबल लिख रहा है, जैसे ही मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करूँ जो कि एम्प्लॉय टेबल है, उसको कंट्रोल एंटर दबाऊं तो मैं यहाँ पे आ जाएगा। डी व्यूअर में एक ऑप्शन है जहाँ पे हम कंट्रोल एंटर मारेंगे तो डेटा आ जाता है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करेंगे तो यहाँ पे पूरे डेटा आ जाएंगे, मतलब डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है हर कॉलम चाहिए उनको और हर डेटा चाहिए। तो इसलिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। और अगर हम इस पर हम चाहते हैं कि कुछ कम रिकॉर्ड पाएँ तो वहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं। और ओरेकल 12 के ऊपर लिमिट वाला फंक्शन है और ओरेकल 10 के नीचे जो है हमें रो नम यूज़ करना पड़ेगा। वो मैं आगे चलते हुए जैसे हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व वो बताऊंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सिंपल सी बात है, आप करेंगे तो पूरे एम्प्लॉय डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पे बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्प्ले द डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, तो मतलब डिपार्टमेंट टेबल का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए इनको। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डी ई पी टी जो टेबल है वो नाम है DEPT टेबल का नाम। और बस बता दूं मैं यहाँ पे ये ओरेकल जो कनेक्टर है, यहाँ पे स्कीमास में जाएंगे हम देखेंगे, यहाँ स्कॉट वाला स्कीमा है। यहाँ पे जो टेबल से हमारे ये चार टेबल हैं मैंने जो डाल रखे हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं ये टेबल कैसे इंपोर्ट कर रहा हूँ, टेबल कैसे बना रहा हूँ, इसके डिटेल कमांड्स भी चाहिए तो आप कॉमेंट में लिख दीजिएगा और मैं उसके डिटेल के अलग वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है जिसमें कुछ ये कॉलम्स हैं और फिर हमारे पास सैलरी टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है। अभी के लिए हम ये दोनों यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं आगे बढ़ते जाऊंगा मे बी 70-80 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तब जाके ये सैलरी यूज़ करेंगे, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं डिस्प्ले द नेम ऑफ नेम एंड जॉब फॉर ऑल एम्प्लॉयज, डिस्प्ले द नेम एंड जॉब करना है और कुछ नहीं करना है। सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम ईएमपी, नेम एंड द जॉब, सेलेक्ट ई नेम एंड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी, सेलेक्ट ई नेम जो कि नेम का कॉलम है एंड सैल फ्रॉम ईएमपी, और हमें ई नेम और सैलरी मिल गया है आउटपुट में। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी,
एस प्लस एम्प्लॉय नंबर, सो ई एम पी नंबर है, एंड टोटल सैलरी, सैलरी अगर हम प्रिंट करें फ्रॉम ई एम पी, ये आ गया हमारा एम्प्लॉय नंबर और उसका सैलरी आ गया है। और ये जो ई एम पी नंबर और सैलरी है, हमें यहाँ पे पूछा गया है टोटल सैलरी, तो हम क्या करेंगे, सैलरी को इंटू 12 कर देंगे, 12 के साथ गुना कर देंगे तो ये टोटल सैलरी बताएगा, क्योंकि ये जो सैलरी है मंथली सैलरी है, और 12 के साथ गुना कर दें तो ये मंथली ईयरली सैलरी बता देगा। और हम चाहते नहीं कि ये सैलरी इंटू 12 दिखा है, तो मैं कुछ इस तरह एज लिख दूंगा, टोटल सैल ऐसे लिख दूंगा, तो यहाँ ऊपर कॉलम नेम में यहाँ टोटल सैल दिखा देगा। तो इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं, और ये कॉलम के नाम भी हम कुछ देना चाहें, यहाँ पर भी अगर मैं करूँ ऐसे एज ईम पी नंबर कुछ ऐसे दे दूँ, तो यहाँ पे ई एम पी नंबर आ जाएगा, एक्चुअल में जो कॉलम का नाम है वो नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से हम उसको अलियास नेम या फिर उसको एक ऐसा नाम दे सकते हैं जो कि हम समझ सकें जब आउटपुट में आए। और ये टोटल सेल में मैंने सेल इंटू 12 कर रखा है, अगर मैं ये ना डालूं तो सेल इंटू 12 दिखाता है, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। तो हम डिस्प्ले अच्छा करने के लिए यहाँ टोटल सेल रख देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह प्ले अराउंड कर सकते हैं, तो आप थोड़ा झोलमाल कीजिए, यहाँ झोलमाल कीजिए, तो फिर मज़ा आ जाएगा एसक्यूएल करने में। तो आप टेंशन मत लीजिए, कुछ होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, डेटाबेस डिलीट हो जाएगा, डेटाबेस फिर से बना देंगे, ठीक है, और टेबल डिलीट हो जाएगा, टेबल फिर से बना देंगे, कोई इतनी जल्दी कोई इतनी मुश्किल की बात है नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैल फ्रॉम ई एम पी, हमें क्या चाहिए था, एम्प्लॉय नेम और उसका सैलरी चाहिए था, क्योंकि एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी पूछा गया है, तो हमने इतनी सिंपल से एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी लिख दी। और फिर हम लिखेंगे डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बस नेम पूछा गया, तो मैं बस यही नेम पूछ करूँगा, एंड फ्रॉम ई एम पी, और यहाँ वेयर क्लॉज में मैं लिखूँगा डी ई पी टी नंबर इक्वल टू 10 लिखूँगा मैं यहाँ पे, और ये प्रिंट हो गया। ये तीन एम्प्लॉय हैं जो हमारे डिपार्टमेंट 10 में काम करते हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कौन से एक्चुअल डिपार्टमेंट में हैं, तो मैं डिपार्टमेंट नंबर का भी कॉलम प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया ई नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर, क्लार्क किंग एंड मिलर, ये तीन ही लोग हैं जो डिपार्टमेंट 10 में काम करते हैं, तो वो मैंने वेयर क्लॉज में लिख दिया है। और आप जब भी एसक्यूएल सॉल्व करेंगे, थोड़े टाइम में बोर हो जाएंगे, एक घंटे दो घंटे में, तो ये बोर होने की कोई बात है ही नहीं। और कुछ कुछ कहानियाँ हैं, मैं बताऊँगा मैं किस तरह से सॉल्व करता था, तो उस तरह से जोश बना रहे, ठीक है। तो आप जब भी सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा इनोवेटिव सोचिए, थोड़ा क्रिएटिव सोचिए, आप ऐसा मत सोचिए कि ये टूटा फूटा चीज़ है, काम है, क्योंकि आपको कोडिंग नहीं करनी है, इसलिए आप एसक्यूएल करके डिटेल टेस्टिंग है, डेटा वेयरहाउस टेस्टिंग है, बीआर टेस्टिंग में घुस रहे हैं, तो जब आप इसमें घुस रहे हैं तो फिर कम से कम एसक्यूएल तो सीख ही लीजिए। जावा पाइथन तो सीखने नहीं बोल रहा कोई, तो कम से कम एसक्यूएल सीखिए। एसक्यूएल सीख रहे हैं तो थोड़ा तो क्या कहते हैं, घुसना पड़ेगा अंदर, इतना ही ना सही, थोड़ा बहुत तो घुसना ही पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जॉइंस थोड़े बहुत आएंगे और सेट ऑपरेटर्स आएंगे और सब क्वेरीज आएंगे, जो मैं सिखा दूंगा, ये 200 क्वेरी सॉल्व करते करते आप एसक्यूएल सीख जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और किसी टॉपिक में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी, डिटेल वीडियो चाहिए रहेगी, तो आप कमेंट में बता देना, मैं पक्का आपके लिए वीडियो पक्का बना दूंगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट वीडियो तो पक्का आएगा, ठीक है। और आपके लिए ही मैं आया हूँ यहाँ पे, और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा पर जरूर, क्योंकि मैं बहुत कठिनाइयों से जूझा हूँ, कई कठिनाइयों से गया हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप वो कठिनाइयों से जाएं, तो इस तरह से इसलिए मैं यहाँ आया हूँ मदद करने के लिए। इतना तो मेरी आदत है नहीं कि मैं कैमरे में बात करूँ मैं, या फिर वीडियो कॉल अटेंड करूँ, ये सब मेरी भी आदत है नहीं, और मैं इस तरह का बंदा हूँ नहीं, बट आप लोगों ने जो जब मैंने पॉडकास्ट किया एक टेक्निकल सुनेजा के साथ, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जब वो एक वीडियो बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और कई लोगों ने बोला कि भैया आप मेरे हमारे इंस्पिरेशन हैं, भैया आप हमें बहुत इंस्पिरेशन देते हैं, आप सबको इंजीनियर से यहाँ आए हैं, तो ये जब जर्नी लोगों को बहुत अच्छी लगी, इनको देखा कि 4 साल 5 साल के बाद जाके एक बंदा टेस्टिंग सीखता है और फिर ईटेल टेस्टर बनता है, बस एसक्यूएल एक ही लैंग्वेज है जो सीखनी पड़ती है, तो आप लोगों का ही जो प्यार है, आप लोगों का जो मेरे तरफ जो झुकाव है, उस वजह से ही मैं फिर यूट्यूब में आया हूँ, नहीं तो वैसे कोई मेरा रीजन था नहीं कि यूट्यूब में आऊँ मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह से, और हमने यहाँ डिपार्टमेंट 10 के एम्प्लॉयज प्रिंट कर दिए हैं, वैसे पूछा गया है बस नाम पूछा गया है, बट डिपार्टमेंट नंबर मैंने इसलिए डाला है कि हम यहाँ देख सकें, बट वैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लीज़ डिपार्टमेंट नंबर ना लिखिएगा, बस एम्प्लॉय नेम लिखिएगा, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आउटपुट बस ऐसी आनी चाहिए, ठीक है। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग एज क्लर्क्स एंड ड्रॉइंग अ सैलरी मोर देन 3000, ठीक है। चलिए लिखते हैं, ई नेम चाहिए उनको बस, तो हम ई नेम डालेंगे फ्रॉम ई एम पी
वेयर क्लॉज में दो चार चीज़ें लिखना पड़ेगा, वर्किंग एज क्लर्क, सो उनका जॉब जो होना चाहिए इक्वल टू क्लर्क लिख देंगे, एंड ड्राइंग अ सैलरी, एंड सैलरी ग्रेटर देन बोला गया है, ग्रेटर देन 3000 बोला गया है। चलिए हम करते हैं ये और देखते हैं, और कुछ तो मिला नहीं। एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट 10 में तो कई लोग हैं, डिपार्टमेंट 10 में तीन लोग हैं, तीनों के सैलरी 3000 से कम है, तो इसीलिए कोई आउटपुट आ नहीं रहा है। तो हमारी क्वेरी एकदम करेक्ट है, क्वेरी कोई आउटपुट नहीं आ रही है, क्वेरी सही चल रही है बट आउटपुट आ नहीं रहा है। मैं इसको 1000 करता हूँ, क्वेश्चन में 3000 दिया गया है बस आउटपुट आ सके। तो मैं यहाँ आपको डिस्प्ले करने के लिए, मैं यहाँ डिपार्टमेंट सॉरी जॉब चाहिए ना, जॉब चाहिए और सैलरी चाहिए, ये चीज़ भी इंफॉर्मेशन ले आते हैं। तो एडम्स एंड मिलर हैं, वो उनका जॉब क्लर्क है, मतलब कि वो क्लर्क हैं जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्किंग एज क्लर्क एंड ड्राइंग अ सैलरी मोर देन 3000, 3000 से ज़्यादा उनकी सैलरी, 3000 से ज़्यादा तो है नहीं यहाँ पे, तो क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, 1000 कर दिया है। बट ऐसे 3000 का कोई है बंदा है नहीं जिनको 3000 मिल रही हो, थोड़े गरीब लोग हैं तो इसीलिए हम यहाँ 1000 करके क्वेश्चन में से मैं आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्लर्क है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8th क्वेश्चन। तो यहाँ हमने देखा कि ये वेयर क्लॉज है, वेयर क्लॉज में हम एंड स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि मतलब वो क्लर्क भी हो और उसका सैलरी भी 3000 से ऊपर हो, हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए, बस एक चीज़ से काम नहीं चलेगी, तो इसीलिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए, इसलिए वो जॉब भी लिखा हमने, क्लर्क और सैलरी भी चाहिए। तो जहाँ दोनों का कंडीशन मैच होने चाहिए तब वहाँ पे एंड यूज़ करेंगे, और जहाँ पे ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है वहाँ पे और यूज़ करेंगे। तो आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो थोड़ा सा इमेजिन करिए, अपना दिमाग थोड़ा लगाइए कि हमें यहाँ एंड यूज़ करना है या और यूज़ करना है, तो आपको आइडिया आ जाएगा और आपको इतना मतपच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चिल रहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और जब इंटरव्यू में पूछा जाए क्वेश्चन तो टेंशन मत लिए, पैनिक मत होइए, जो इंटरव्यूअर है वो भी इंसान है, तो उनको बोलिए फिर से दोहराएंगे क्वेश्चन, और आप ध्यान से सुनिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड who are earning commission, okay, ठीक है, employee number चाहिए इनको, EMP number from EMP, employee number and name पूछा गया है, तो यहाँ employee number and name कर देंगे, ठीक है, and who are earning commission, so where clause में लिखेंगे where commission is not null, ठीक है, मतलब कमीशन नल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं कमीशन का टैब भी लिख देता हूँ, और ये इज नॉट नल, मतलब उनको कमीशन मिलनी चाहिए, कमीशन जिसको मिल रही है, जिसको नहीं मिल रही है तो उनका नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे या तो हम ऐसा लिख सकते हैं कमीशन इज नल, या फिर ऐसा कर देंगे जहाँ पे इज नॉट नल है ना, हाँ तो सही है, तो ये बात सही है। और आप ऐसे लिख सकते हैं कि कमीशन नल ना हो, बट यहाँ पे सिंस यहाँ पे टर्नर का जो है कमीशन ज़ीरो है, ज़ीरो रहे और कुछ ना मिले, बात तो वही है, तो यहाँ पे आप अगर ये ना चाहें तो आप ये हटा करके लिख सकते हैं, कमीशन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो अगर हो जाए, और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, डबल डैश डालेंगे मतलब डबल हाइफन डालेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा जीरो वाला कमीशन वाला जो एम्प्लॉय था उसका नाम हट गया है और हमें ये आंसर मिल गया। तो आप चाहे तो ये वाला कंडीशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये वाला कंडीशन। तो मैं इस क्वेरी को दो बार ही लिख देता हूँ जिस तरह से पता चल जाए कि हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया, तो यह बट यहाँ पर टर्नर आया जिसका कमीशन ज़ीरो है, और हम यहाँ पर देखेंगे इसका कमीशन ग्रेटर देन ज़ीरो लिखा है, तो ये दोनों तरह से दोनों क्वेरी करेक्ट हैं एकदम से। बट ये है यहाँ पे हमें जो ज़ीरो है वो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो ज़ीरो है वो दिखेगा, तो इसीलिए वैसे क्वेरी दोनों सही हैं, बट आपको ज़ीरो चाहिए तो वो ये वाला लिख लीजिए, और आपको ज़ीरो नहीं चाहिए तो ये वाला लिख लीजिए। तो इस तरह से आपकी मर्जी है, आपको जैसा चाहिए वैसा सॉल्व कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर एंड नेम हु डू नॉट अर्न एनी कमीशन, डू नॉट अर्न एनी कमीशन, तो लिखते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एंड नेम, तो ईएमपी नंबर कॉमा ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर कमीशन इज नल, ऐसे लिख देंगे। ये जो हैं इन सब को कमीशन वाला कॉलम ऐड कर देता हूँ तो पता चल सके कि यहाँ पे कमीशन नहीं मिल रहा है करके। तो यहाँ पे जो जो एम्प्लॉय हैं जिनके कमीशन नल है वो एम्प्लॉय के हमारे आउटपुट आ रहे हैं,
और यहाँ पे इनको लिख सकते हैं कमीशन इज इक्वल टू जीरो भी। तो यहाँ पे जो टर्नर था जिसका कमीशन जीरो था, जीरो होना या कमीशन ना होना अलग सेम बात है, बट ये है कि ऐसा हो सकता है कि अगर उसको कमीशन मिल रही हो बट इस महीने में जीरो मिली हो क्योंकि वो काम पे नहीं आया, छुट्टी पे आया, तो कुछ इस तरह हो सकता है। तो इसलिए हम ये जो कंडीशन है कमीशन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन ना लिखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि पूछा ही गया है कि कमीशन ना मिल रही हो, ठीक है। बट जीरो के केस में कमीशन मिल रही है, बट जीरो एग्जैक्टली तो जीरो तो वही बात होगी कि कमीशन नहीं मिल रहा है। तो आप थोड़ा इस तरह से सोचेंगे, अगर कभी ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए तो इंटरव्यू से आप पूछ लेंगे कि जीरो वाली आउटपुट चाहिए या नहीं चाहिए, तो उस तरह से कंडीशन आप ऐड कर सकते हैं। मैंने बता तो दिया, सिखा तो दिया है, तो इसीलिए आप इंटरव्यूअर को जैसा चाहिए उस तरह से आप प्रेजेंट कर देंगे। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु आर वर्किंग एज क्लर्क सेल्समैन, सेलेक्ट नेम फ्रॉम EMP वर्किंग एज क्लर्क। तो उनका जॉब होने चाहिए, जॉब क्या क्या वेर कर लिखेंगे, जॉब इक्वल टू क्लर्क और जॉब इक्वल टू सेल्समैन और जॉब इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जॉब है ये एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है। तो यहाँ पे हम जाएंगे जब एम्प्लॉय टेबल में, यहाँ जब देखेंगे कॉलम्स, देखेंगे हम कॉलम ये नंबर है और यहाँ जॉब जो है ये वैरकर है, तो जब जॉब वैरकर है तो हमें ये स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा तो स्ट्रिंग हमें सिंगल कोट में पास करनी होती है, और जो नंबर होते हैं हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे, ये सिंगल कोट की जरूरत नहीं होती है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी वो कैरेक्टर फंक्शन होगा या वैरकर होगा तो वहाँ पे हम ये सिंगल कोट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वैर जॉब इक्वल टू क्लर्क या जॉब इक्वल टू सेल्समैन या एनालिस्ट, मीन्स वर्किंग एज इनमें से कोई होना चाहिए, एंड ड्रॉइंग ए सैलरी लिखा हुआ है, एंड सैलरी 3000 से ऊपर होनी चाहिए। तो 3000 से सैलरी ऊपर वाला या और उसका काम ये होना चाहिए, मतलब काम ये हो और सैलरी 3000 से ऊपर हो तो ही हमें दिखाए आउटपुट में। तो ये है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे जॉब भी लिख देते हैं, यहाँ पे सैलरी भी लिख देते हैं, तो आइडिया आ जाएगा। तो हमें क्या क्या चाहिए था, क्लर्क चाहिए थे, सेल्समैन चाहिए थे, एनालिस्ट चाहिए थे, और शायद एनालिस्ट में कोई है नहीं जिसकी सैलरी 3000 से ऊपर हो, एंड सैलरी ग्रेटर देन 3000 लिखा ना, 3000 लिखा है, फिर ये सैलरी क्यों आ गई, अच्छा सॉरी कंडीशन ब्रैकेट में डालेंगे हम। तो अब आया ना बात, तो यहां पे वेयर क्लॉज में ये जॉब का जो कंडीशन है ये एक ही सिंगल ब्रैकेट में लिखना है, मतलब ये कंडीशन एक है और ये कंडीशन एक है, क्योंकि हमें चाहिए या तो वो क्लर्क हो, सेल्समैन हो, एनालिस्ट हो, कुछ भी, बट वो होना चाहिए, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 3000 से ऊपर जरूर होनी चाहिए। तो वो चाहे वो इनमें से कोई भी जॉब में हो बट सैलरी कितनी होनी चाहिए, 3000 से ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसा कोई एम्प्लॉय मिला नहीं जो कि क्लर्क हो, सेल्समैन हो, एनालिस्ट हो, इन तीनों में से कोई एक हो और उसकी सैलरी 3000 से ऊपर हो, ऐसा कोई मिला नहीं। बट हम यहाँ पे अगर मैं इसको 1000 कर दूँ तो ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी, जो सेल्समैन है, एनालिस्ट भी हैं, क्लर्क हैं, मतलब इनमें से कोई भी जॉब में हो और उनकी सैलरी 1000 से ऊपर हो, तो ऐसा हमें मिल गया बंदा जो 1000 से ऊपर सैलरी है और इनमें से कोई आता हो। तो मैं सेम क्वेरी को एक अलग तरह से लिखना चाहूँगा। यहाँ पे हमने क्या किया, जॉब और इतनी बार लिखा है, तो हम क्या करेंगे, ये जॉब और मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसको मैं गेट रिड ऑफ, इससे मैं बाहर निकल जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, जॉब इन कर दूँगा, ठीक है, जॉब इन। तो मैं यहाँ एक बार EMP, ठीक है, ये कर दिया मैंने, और फिर मैं देखिए आप इस क्वेरी में सेलेक्ट नेम जॉब, यहाँ इस क्वेरी को जब मैंने रन किया तब यहाँ पे मेरे को सेम रिजल्ट आ गया जो इस क्वेरी में आया था, ठीक है। देखिए जो इस क्वेरी है, ये क्वेरी एंड ये क्वेरी लगभग सेम बात है इन दोनों क्वेरी में। तो ये यहाँ पे हमने ये जो इन ऑपरेटर है इसको यूज़ किया है, यहाँ पे हमने 3 बार क्लर्क और यूज़ करके लिखा है, यहाँ पे जॉब इन, इनमें से कुछ भी हो चलेगा और बट सैलरी उनकी 1000 से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे 1000 लिखा है, क्वेश्चन में 3000 पूछा है, 3000 लिखेंगे तो आउटपुट आएगा ही नहीं कुछ भी, देखिए कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पे, अगर मैं नहीं आएगा, चलिए 2000 करते हैं, 2000 से ऊपर, हाँ दो बंदे हैं एनालिस्ट हैं जो 2000, एनालिस्ट लोगों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो 2000 से ऊपर है एनालिस्ट लोग, बट बेचारे क्लर्क और सेल्समैन भी कहाँ जाएँ, तो इसलिए 1000 कर दिया मैंने, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है।
ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, आप देखिए एक ही क्वेश्चन को हम दो दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप जो इफेक्टिव वे लगे वो आप सॉल्व कीजिए, और इंटरव्यू में जब पूछा जाए आप दोनों तरह से बताइए, तो आपका जो टेक्निकल स्किल जो दिखाएंगे ना वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्किंग इन अ कंपनी फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। सेलेक्ट ए नेम फ्रॉम ईएमपी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट फंक्शन कुछ यूज करेंगे, तो आप देखते जाइए, तो मैं फिर समझाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन है टू कैर करके फंक्शन है, यहाँ मैं टू कैर फंक्शन है, मैं यहाँ करूँगा सिस डेट। आप सिस डेट को यूज करने से पहले मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि सिस डेट क्या होता है। सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूअल, ऐसे करेंगे तो यहाँ सिस्टम डेट दिखा दे, सिस्टम डेट जो कि आज का डेट है 21/2/23, तो सिस्टम डेट है दिखा दे रहा है। ओरेकल में क्या होता है, ड्यूअल नाम का एक इनबिल्ट टेबल रहता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं जब भी कुछ भी ऐसा फंक्शन यूज़ करना हो, जहाँ पे जैसे सिस डेट चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा कुछ चाहिए हमें, तो वहाँ पे ड्यूअल यूज़ कर सकते हैं, ड्यूअल फंक्शन इनबिल्ट रहता है ओरेकल में। तो सिस डेट जो बताता है सिस्टम का डेट बताता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिस डेट मैं कर रहा हूँ ऐसे, और मैंने टू कैर जो फंक्शन यूज़ किया है, टू कैर फंक्शन में मैं इस जो डेट है इस डेट को मैं इस तरह मैं चेंज करूँगा जिस तरह से मेरी ज़रूरत है। तो मेरी ज़रूरत बस ईयर है, तो मैं 4 साल का ईयर कर दूंगा, एंड फिर मैं यहाँ पे एक और टू कैर यूज़ करने वाला हूँ जो कि यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे देख लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, देख लेते हैं यहाँ पे जो हायर डेट है, तो हायर डेट वाला जो कॉलम है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ, हाइड वाला कॉलम, उसको भी सेम मैं सेम फॉर्मेट में चेंज कर दूंगा, और इनका जो डिफरेंस है, सो बेसिकली इन दोनों का जो डिफरेंस है सिस डेट और हायर डेट, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 5 साल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब उनका एक्सपीरियंस 5 साल पूछा गया है, वर्किंग इन द कंपनी फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स, तो जब 5 साल से ऊपर है तो उनका क्या कहते हैं, मैं आउटपुट लेना चाहता हूं, जो उनके नाम चाहता हूं मैं। अच्छा सॉरी, इधर का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है अभी सही है। तो यहां पे हम लिख देंगे हमें ये सेम चीज चाहिए ना, हम सेम चीज लिख देते हैं एक बार एज एक्सपीरियंस, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस दिखा रहा है ना मुझे, ये जब हायर रेट मतलब आज का डेट है, सिस डेट है, सिस महीने हायर रेट कर रहे हैं, मतलब हायर डेट से लेके आज के डेट तक का मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर मैंने 2012 में काम करना स्टार्ट किया 2022 हो गया 10 साल हो गया, अगर मैंने 2020 में स्टार्ट किया अभी 2023 हो गया तो 3 साल हो गया, तो उस तरह से मेरे ज्वाइनिंग डेट से लेके आज के डेट तक का मेरा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिस डेट कर रहा हूँ, सिस डेट मतलब आज का डेट माइनस वो डेट, क्योंकि वो डेट छोटा है तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो आज का डेट माइनस द ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट छोटा है, तो वहाँ जब मैंने ऐसे किया यहाँ पे देखा मैंने 43 मतलब बहुत 40 साल के ऊपर के हैं, यहाँ देखो 36 है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 40 कर देते हैं, जो 40 साल से एक्सपीरियंस ऊपर हो, देखो 41 42, ठीक है। तो हमें बस 5 साल चाहिए था वैसे, बट हमने यहाँ 40 डाला है कि थोड़े आउटपुट कम आए, कि मतलब क्वेरी काम कर रही है, तो इसीलिए आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। सिस डेट जो है, ये सिस डेट है टू कैर, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्चुअली हम डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, बट ये शायद ओरेकल का जो पुराना वर्जन है, थोड़ा पुराना वर्जन है, नए वर्जन में और भी कई फंक्शन हैं जिसमें हम डायरेक्टली जो डेट है उसको माइनस कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस निकालने के लिए भी एक डेट दूसरा डेट अगर हम बस पास करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिल सकती है, तो यहाँ पे है नहीं, इसमें मैंने ट्राई किया 2-3 तरह से बट हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने टू कैर फंक्शन यूज़ करके डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जो दोनों नंबर्स आएंगे इन दोनों नंबर्स को मैंने माइनस किया है, तो उससे पता चल गया है। तो यहाँ पे मैं हायर डेट भी एक बार लगा देता हूँ तो हमको आइडिया आ जाएगा, हायर डेट लगा देता हूँ, देखिए 1982, इतने पुराने लोग हैं, अगर 82 से यहाँ से 40 साल होना ही है, तो इसलिए कम से कम ये 40 वाला जो फंक्शन है ये जो है सही से काम कर रहा है या नहीं देखने के लिए मैंने इसलिए हायर डेट और ये दोनों मार दिया है। तो यहाँ पे जब ये एक्सपीरियंस है तो इसको मैंने एज एक्सपीरियंस लिया है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये मैं चाहता नहीं इतना बड़ा आए। अगर मैं ये हटा देता हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए,
और मैं ऐसे करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कॉलम नेम इतना बड़ा आ रहा है, बट जो मैं चाहता नहीं हूँ, जो मैं चाहता नहीं, तो इसीलिए मैंने इस तरह किया, तो एक्सपीरियंस छोटा सा नाम आ जाएगा जिस तरह, जो कि लॉजिकली बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इस तरह से डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव जॉइंड द कंपनी बिफोर 30 जून 1990 और आफ्टर 30 दिसंबर। सो यहाँ हम लिखते हैं ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेर हायर डेट बिफोर था ना, हायर डेट इज ग्रेटर देन 30 जून 1990 और हायर डेट, इसको ये और को नीचे ले आते हैं थोड़ा, आप क्या कहते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं और को नीचे ले आए, वेयर इधर ले आए, या इंडेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब हाइफन टैब वो सब देकर के यूज़ कर सकते हैं, तो आपको क्वेरी अच्छी दिखेगी, थोड़ा आपको समझने में और पढ़ने में आसानी होगी। तो इसलिए मैं वेयर क्लॉज नीचे ले आता हूँ और एंड जो भी है वो थोड़ा नीचे ले आता हूँ, तो हम पढ़ने में आसान रहती है, तो वो आप चीज़ अपने आप से फॉलो कर सकते हैं। आपको स्पेस देना है, टैब देना है, या फिर इंडेंटेशन करना है, या फिर एक नई लाइन में लिखना है, तो उस तरह से आप अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे स्किल को कोई फर्क पड़ता नहीं। सो हायर डेट और आफ्टर, हायर डेट इज़ बिफोर होना चाहिए ना, तो हायर डेट इज़ बिफोर होगा तो ये पहले हम डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 31 दिसंबर 1990। देखिए हम कोशिश करते हैं ये चलेगा तो सही है, और हम इस तरह से यहाँ हायर डेट भी लिख लेते हैं, ये चलना तो चाहिए था और चल भी गया है। यहाँ हायर डेट लिख लेते हैं, हायर डेट में मैंने क्या लिखा है, हायर डेट इज़ लेस देन दिस, तो लेस देन दिस हायर डेट इज़ ऑब्वियसली लेस देन दिस, हायर डेट इज़ ग्रेटर देन 31 दिसंबर 1990। तो ऐसा कुछ है नहीं जो 1990 के बाद हो, तो बेसिकली ये अगर हम ये फिल्टर अगर हटा भी दें तो भी सब आउटपुट जो आ रही हैं इस तरह से आ रही हैं। एक्चुअली मुझे करना क्या चाहिए, 1980 करने से कुछ बात बने, यहाँ पे इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बस इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे जो 1980 से पुराना कोई बंदा है नहीं, मैं यहाँ 82 कर देता हूँ, तो 82 से पुराने, हाँ 81 और 80 वाले आ रहे हैं, तो इसलिए आप देखिए इस तरह से आपको करना पड़ेगा, थोड़ा प्ले अराउंड करना पड़ेगा, क्वेरी काम कर रही है कि नहीं, क्वेरी काम कर रही है नहीं वो बताने के लिए मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर रहा हूँ। वैसे उनने जो दिया गया है उनने तो 1990 बोला है, 1990 से छोटा तो ऑब्वियसली सब के सब हैं, क्योंकि 1990 से सब छोटे हैं, तो इसलिए 14 के 14 रिकॉर्ड आएंगे आउटपुट में, इसलिए मैंने हायर डेट वाला कॉलम डाला है, वैसे इनने पूछा नहीं। तो आप इस तरह से क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, या और कंडीशन जो है ये लॉजिकल बनता नहीं है, तो इसलिए यूज़ करना नहीं करना। तो ये हायर डेट ये जो 1990 से बड़ा हो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे कोई एम्प्लॉय आया नहीं 1981 के बाद, कोई 1987 है, हाँ तो 1987 के बाद कोई बंदा ज्वाइन किया नहीं, तो यहाँ से बड़ा हायर रेट हो तो पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल लगता नहीं है। आप यूज़ कर रहे हैं तो भी ये वाला फिल्टर काम कर नहीं रहा है, एक्टिवेटेड नहीं है, इसलिए मैंने कमेंट करके दिखाया कि एक्चुअली वर्क वही कर रहा है, और उसमें भी जब हमने नंबर चेंज किया तभी काम कर रहा है, नहीं तो वैसे काम कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, एनीवेज आपको थोड़ा डेट फंक्शन के बारे में पता चला और आपको ये फिल्टर के बारे में पता चला, तो आपको थोड़ी पकड़नी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। डिस्प्ले करेंट डेट दो हमने लिखा ही था, सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूअल, ऐसे क्या, तो आज का डेट आ गया, हमें आज का डेट और वो सब भी आ गया है। और अगर यहाँ टू कैर फंक्शन लगाते हैं, हमें बस डेट चाहिए, तो हम ऐसे टू कैर फंक्शन लगा देंगे और सिस डेट पास करते हुए मुझे बस डेट चाहिए, तो मैं डेट किस फॉर्मेट में चाहिए, मेरे को डी डी एम ओ एन वाई वाई इस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं इस तरह से रन कर दूंगा। को यहाँ डे आ गया 21 फरवरी 2022, यहाँ कर देंगे, यहाँ लिख देंगे एज करेंट डेट, तो ये करेंट डेट आ गया और यहाँ पे डेट आ गई है। तो इस तरह से आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, टू कैर फंक्शन यूज़ किया है मैंने, और अगर ना भी करता तो डेट पूरे डेट आवर मिनट्स इन सब का डेटा इन्फॉर्मेशन आ जाता। चलिए चलते हैं आगे, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल यूजर्स इन योर डेटाबेस। तो यहाँ पे एक इनबिल्ट टेबल है ऑल यूज़र्स नाम की, इनबिल्ट टेबल है वो, मैं रन कर दूँ तो यहाँ पे जो जो यूज़र हैं हमारे डेटाबेस में उन सब के नाम आएंगे। ठीक है, आप ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल यूज़र्स कर सकते हैं और आपको डिस्प्ले हो जाएगा
select star from all tables, select star from all tables कर देंगे तो ये all tables ही ना, names of all tables from current user, हाँ all tables from current user, तो current user पहले पता लगाना पड़ेगा, current user पता लगाने के लिए show user करूँगा मैं, show user काम करेगा नहीं dbviewer में, तो शो यूजर मैं अगर रन करूं तो यहां पे दिखा नहीं रहा है, तो मैंने डायरेक्ट ओरेकल का प्रॉम्प्ट खोल लिया है, यहां पे मैं लिखूंगा शो स्पेस यूजर, तो ये लिखूंगा तो यूजर इज स्कॉट, तो स्कॉट वाला यूजर है वो है, यहां पे हम लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल टेबल्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल टेबल्स जो होता है यहाँ पे जो भी टेबल है वो दिखाता है, और मैं इस टेबल का मैं वेयर क्लॉज में लिखूंगा ओनर इक्वल टू स्कॉट, क्योंकि हमारा वही यूजर है, ओनर इक्वल टू स्कॉट में ये देखिए एम्प्लॉय टेबल बोनस साल ग्रेड, ये चार टेबल हैं जो हमारे स्कॉट यूजर के टेबल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप शो यूजर करेंगे तो यूजर दिख जाएगा, और फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल टेबल्स, ऑल टेबल जो है एक इनबिल्ट टेबल है ओरेकल के अंदर, और यहाँ पे ऑल यूजर्स था ये भी एक इनबिल्ट टेबल है ओरेकल के अंदर, जो ऑटोमेटिकली जैसे यूजर क्रिएट होते हैं ऑल यूजर्स के टेबल में अपडेट हो जाते हैं रिकॉर्ड, और जैसे टेबल्स नए टेबल्स बनते हैं ऑल टेबल्स वाला जो इनबिल्ट टेबल है इसके अंदर रिकॉर्ड अपडेट हो जाते हैं। तो ये कुछ इनबिल्ट टेबल हैं जिनके नाम आपको बता रहे हैं तो अच्छा रहता है। डिस्प्ले द नेम ऑफ करंट यूजर जो कि शो यूज़र से होगा, अभी dbviewer में काम करेगा नहीं, तो इसीलिए मैं पहले दिखा चुका हूँ, तो आप वो फिर से थोड़ा सा बैक जाकर के देख सकते हैं। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 और 40, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई नेम फ्रॉम emp वेयर डिपार्टमेंट नंबर, देखिए आप मैंने पहले बताया था डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 और डिपार्टमेंट नंबर 20 और डिपार्टमेंट नंबर 40, आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर मैंने सिखाया था डिपार्टमेंट नंबर इन और ब्रैकेट डालेंगे आप यहाँ लिखेंगे 10 20 40, वहाँ पे हमने जब जॉब लिखा था क्लर्क लिखा था सिंगल कोट्स में, क्लर्क सेल्समैन एनालिस्ट लिखा था, वो एक वर्कर डेटा टाइप है तो इसलिए हमने सिंगल कोट में लिखा था, यहाँ पे नंबर डेटा टाइप है, यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर डेटा टाइप है, तो जब डिपार्टमेंट नंबर डेटा टाइप है तो हमें सिंगल कोट की जरूरत है नहीं, तो इसीलिए हम इस तरह पास करेंगे। फिर वहाँ पे कहा गया है एम्प्लॉयज वर्किंग एज क्लर्क सेल्समैन और एनालिस्ट, ठीक है, हाँ सेल्समैन और एनालिस्ट, ठीक है, ये वो डिपार्टमेंट नंबर 10 20 40 में काम कर रहे हो, एंड उनका जॉब इन फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सिंगल कोट, क्लर्क हो सकता है, सेल्समैन हो सकता है, या फिर एनालिस्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ई नेम डाल के डिपार्टमेंट नंबर भी डाल दूंगा एंड जॉब भी डाल दूंगा, ये तीन चीज़ डाल दूंगा तो पता चल जाएगा हमें स्मिथ जो है डिपार्टमेंट 20 में काम कर रहा है, क्लर्क में काम कर रहा है। हमारा कहने का मतलब इस क्वेरी में पूछा क्या गया है कि वो जॉब इस तरह में हो एंड डिपार्टमेंट इसमें हो, तो इसीलिए ये कंडीशन अपने आप में अलग सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन अपने आप में सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि मैंने ये कंडीशन करके यहाँ मैं और लिख दूँ तो गड़बड़ ही हो जाएगा एकदम से। देखिए यहाँ पे आ जा रहा है 10 वाला भी आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 के भी आ रहे हैं, 30 भले ही सेल्समैन हो बट 30 डिपार्टमेंट आ जा रहा है, तो मुझे वो चाहिए नहीं, ये गलत क्वेरी आ रही है, तो इसलिए मैं एंड लिखूंगा कि जॉब इस तरह से ही हो, ठीक है, जॉब इनमें से तीन को ही हो एंड वो डिपार्टमेंट इनमें काम कर रहा हो, या फिर उल्टा ले लीजिए डिपार्टमेंट इनमें हो एंड उनका काम ये हो, तो इस तरह से हम क्वेरी को थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे और वहाँ अपना लॉजिक लगा के वहाँ पे एंड या और का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हूज नेम स्टार्ट्स विद एस, तो सेलेक्ट
ename from emp where ename, यहाँ पे एक चीज ला रहा हूँ मैं, लाइक वाला चीज है, तो लाइक यहाँ आएगा, सिंगल कोट आएगा, स्टार्ट्स विद एस है तो मैं कैपिटल एस है, नाम वहां पे मैंने देखा, हमने यहाँ नीचे देख रहे हैं नाम जो है वो कैपिटल स्टार्ट हो रहा है, मतलब पूरा ऑल कैप्स है, तो मुझे यहाँ पे जो रो का जो रिकॉर्ड का जो डेटा है वो केस सेंसिटिव होता है, भले ही हम यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखे, सेलेक्ट लिखे, कॉलम नेम लिखे या टेबल नेम लिखे, वो केस सेंसिटिव नहीं होता ओरेकल में, बट जो डेटा होता है, जो रिकॉर्ड में जो डेटा पुट होता है, वो जो डेटा होता है वो केस सेंसिटिव होता है, तो हमें इसीलिए यहाँ पे एस और मॉड्यूलस स्टार्ट्स विद एस होना चाहिए, बाकी आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए स्टार्ट विद एस होना चाहिए, उसके आगे मॉड्यूलस मतलब उसके कितने भी रेकरेंस हो या फिर कोई और भी वैल्यू हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता, स्टार्ट एस से होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये आउटपुट निकाला, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉय नेम्स ऑफ employees, display the name of employees whose names ends with s, तो यहाँ पे सेम चीज करेंगे हम, यहाँ from emp where ename like करेंगे, और यहाँ पे कहा modulus जो हमने पीछे डाली थी वो modulus starting में डालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ends with s आनी चाहिए, तो ends with s करेंगे, तो यहाँ Jones, Adams and James जिनका नाम एंड एस से हो रहा है, स्टार्ट किसी से भी हो फर्क मुझे नहीं पड़ता, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि वो एंड किससे हो रही है, तो इसलिए एंड किससे हो रही है, तो लास्ट में मैंने एस लिख दिया, यहाँ पे स्टार्ट कैसे हो रही, तो स्टार्टिंग में एस लिख दिया था, तो इसीलिए इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लाइक का जो है आप यहाँ आप जब लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक का इस्तेमाल करेंगे तब जाके वहाँ पे हम ये मॉड्यूलस फंक्शन यूज कर सकते हैं, और आगे चलिए मैं और थोड़े बताता हूँ इसी के ऊपर, इस पर द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज नेम names have second alphabet is A in their names. Second alphabet की बात आ रही है, तो second alphabet मुझे पता होना चाहिए, ename from emp where ename like, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, second alphabet होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक डालूंगा underscore, उसके बाद क्या है A चाहिए मुझे, उसके बाद कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने यहाँ पे जो वार्ड है, मार्टिन है, जेम्स है, उनका सेकंड कैरेक्टर जो है वो ए होनी चाहिए, तो मैंने इससे पहले एक अंडरस्कोर डाला, अंडरस्कोर का मतलब ये है कि अंडरस्कोर में डाल दिया, एक कैरेक्टर आ जाए, कोई भी कैरेक्टर हो, ए से जेड कोई भी कैरेक्टर हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट अंडरस्कोर कैरेक्टर एक ही आनी चाहिए, अगर मैं मॉड्यूलस लगा दूं, मॉड्यूलस होता है कि कुछ भी आए, कितने बार भी आए, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो यहाँ मॉड्यूलस लगा है, मैंने देखी यहाँ पे एक के बाद दो कैरेक्टर आ रहे हैं, यहाँ एक के बाद चार कैरेक्टर आ रहे हैं, यहाँ के बाद तीन कैरेक्टर आ रहे हैं, तो इसके बाद जब मॉड्यूलस लगा देंगे, मॉड्यूलस मतलब कोई भी कैरेक्टर आए, कितने बार भी आए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट जब मैं अंडरस्कोर लगाता हूँ, अंडरस्कोर एक बार अंडरस्कोर मतलब एक कैरेक्टर, और अगर मैं यहाँ पे दो अंडरस्कोर लगा दूं मतलब थर्ड कैरेक्टर ए हो, यहाँ पे देखिए ब्लैक का बी एल दो कैरेक्टर हो गए, कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट दो कैरेक्टर आ गए, उसके बाद ए आया है, क्लार्क का सी एल आया, उसके बाद ए आया है, फिर ए डी ए, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग ए है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड कैरेक्टर ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो अंडरस्कोर डाली है, तो दो अंडरस्कोर डाली है, बट क्वेश्चन में एक ही अंडरस्कोर पूछा गया है, मतलब सेकंड अल्फाबेट ए होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन है, तो मैंने थर्ड वाला भी दिखाया, क्योंकि आपको नॉलेज आ जाए कि अंडरस्कोर हम जितने बार जाए उतने ही अकरेंस आने चाहिए, भले कैरेक्टर कोई भी हो, ठीक है, तो आप लाइक समझ गए होंगे, लाइक में मॉड्यूल समझ गए होंगे, लाइक में अंडरस्कोर समझ गए होंगे, तो आप अगर ये सिर्फ समझ पा रहे हैं और आपको बहुत मजा आ रहा है, तो प्लीज कमेंट में एसक्यूएल लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तब ना मुझे भी मजा आए, आपको मजा आ रहा है तो मजा तो मुझे भी आना चाहिए ना, वीडियो मैं बना रहा हूँ इतनी मुश्किल से, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, फिर कोई बात थोड़ी होगी, आप भी शेयर करें, आप मेरे को सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूँ, तब ना बात बने। Select the name of the employees whose name is exactly 5 characters in length. ये आई ना बात, अभी आप underscore को use कीजिए, 5 character मैंने बताया था, 2 character था, 5 character, अभी अपने आप लिखिए, हर बार का हम लिखेंगे, ठीक है, where ename like, क्या बोलते हैं, 5 बार लिखते हैं underscore, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार underscore लिखे हैं, बस 5 character वाला जो हो, ये ऐसा हो जाए, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं, आपको ये समझ में ना आए तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो ऊपर वाले हैं ये लाइक वाला स्टेटमेंट है ये समझ में आना चाहिए, अभी जो मैं लिखने वाला हूँ ये समझ में ना आए तो आगे चल के मैं फिर से समझाऊंगा, कोई चिंता की बात है नहीं, आप
10 सेकंड स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। बट यहां हम लिखेंगे वेयर लेंथ ऑफ ई नेम ग्रेटर देन 5, एग्जैक्टली 5, इक्वल टू 5 कर देंगे, तो आउटपुट वही आने वाला है। ये देखिए आउटपुट स्मिथ, एलन जोन्स, ब्लेक, क्लार्क, स्कॉट एडम्स, जेम्स, तो यहाँ पे भी देखिए सेम आ रहा है। जो लेंथ फंक्शन है, जो लेंथ फंक्शन है ये एक एग्रीगेट फंक्शन है जो कि क्या कहते हैं एसक्यूएल में है। जैसे ही मैं आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्रीगेट फंक्शन में, 10 15 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको एग्रीगेट फंक्शन सिखाऊंगा। लेंथ जो है कैरेक्टर फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, कैरेक्टर फंक्शन है। तो कैरेक्टर फंक्शन लेंथ वो कैरेक्टर चूज करता है, मतलब कैरेक्टर का लेंथ बता देगा। तो यहाँ पे हम जब मैं ऐसे लिख दूं ई नेम कॉमा लेंथ ऑफ ई नेम कुछ इस तरह लिख दें तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये वेयर क्लॉज हटा देता हूँ, मैं डबल पुट करके इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जितने भी एम्प्लॉई हैं सबके यहाँ पे क्या आ गए हैं, उनके नाम के लेंथ आ गए हैं, ठीक है। लेंथ बता रहा है ये। तो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं यहाँ लेंथ बस दिखाने के लिए मैंने डाला है कि लेंथ का काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वेयर क्लॉज में लेंथ ग्रेटर इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 5 डालेंगे तो ये आ जाएंगे, और जो ऊपर हमने अंडरस्कोर डाल के किया है वो भी बात सेम ही है, आउटपुट सेम आना है, बट यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से यूज किया है। तो आपको सेम क्वेरी एक या दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप एक दो तरह से सॉल्व करेंगे आपका दिमाग काम करने लगेगा, नई नई चीजें सीखेंगे, चाहे वो फंक्शंस हो, चाहे वो एग्रीगेट फंक्शंस हो, चाहे कैरेक्टर फंक्शन हो, या फिर क्या कहते हैं एनालिटिकल फंक्शन हो, जो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शन सीखते जाएंगे और उसको अप्लाई करते जाएंगे तब आपको वो एक्सपोजर आता जाएगा और आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह। डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर नॉट वर्किंग एज मैनेजर्स, ठीक है। चलिए काम करते हैं, ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर जॉब नॉट इक्वल टू मैनेजर, ठीक है। जॉब मैनेजर ना हो तो यहाँ पे जॉब भी लिख ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लर्क आया, सेल्समैन आया, एनालिस्ट आया, प्रेसिडेंट आया, सेल्समैन, क्लर्क, एनालिस्ट, क्लर्क, मैनेजर ना आया क्योंकि हमें मैनेजर चाहिए नहीं। नॉट वर्किंग एज मैनेजर, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर नॉट इक्वल टू कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसी को मैं दो बार लिख दूंगा कि आपके नॉलेज के लिए आ जाए कि हम नॉट इक्वल टू को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, आउटपुट वही आनी है, ठीक है। नॉट इक्वल टू चाहिए तो हमें, आगे बढ़ते हैं इसी तरह। डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर नॉट वर्किंग एज सेल्समैन, क्लर्क और एनालिस्ट। यार ये सेल्समैन, क्लर्क, एनालिस्ट, इनको क्या बीमारी होगी बार बार वही देते हैं तो यहाँ पे ई नेम पूछा गया है, यहाँ पे कर देते हैं फ्रॉम ई एम पी वेयर जॉब, ठीक है। आपको मैंने इन सिखाया था, इन याद है आपको, तो इन सिखाया था मैंने, इन की जगह नॉट इन भी होता है। यहाँ पे हम करते हैं नॉट इन और फिर सेम चीज डाल देते हैं, सेल्समैन कॉमा क्लर्क कॉमा एनालिस्ट। यहाँ पे देखिए आ गया है और यहाँ मैं लिख देता हूँ जॉब भी लिख देता हूँ तब ना बात आए, क्लर्क आ गया। अच्छा यहाँ क्लर्क के पास ये स्पेस लगा दिया तभी क्लर्क आ रहा है आउटपुट में, तो थोड़ा सा जब सोचेंगे देखेंगे ध्यान देंगे क्वेरी में कुछ तो गड़बड़ है इसीलिए ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्लर्क के जगह यहाँ सेल्समैन के अगर ऐसा लगा दें हम तो सेल्समैन आ जाएगा, का है क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस ज़्यादा दे दिया है जो कि एक्सपेक्ट ना कर रहे हैं। तो एसक्यूएल जो होता है वो बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है, उसमें बहुत वैल्यूज जाए सही से जाए तो इसीलिए वो रो देता है, नहीं तो रोना नहीं चाहिए, हमें भी नहीं रोना चाहिए, स्किल को भी नहीं रोना चाहिए। तो इसलिए सिंटैक्स पे थोड़ा ध्यान देंगे आप। डिस्प्ले ऑल रोज फ्रॉम एम्प्लॉय द सिस्टम शुड वेट आफ्टर एवरी स्क्रीन फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ठीक है आज का वीडियो बड़ा लंबा हो चुका है तो इसीलिए हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, 25वें क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए वीडियो को एंड प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। और आपको बहुत मज़ा आ रहा है अगर एसक्यूएल हमने जो मस्ती में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मस्ती में इतने सारी चीज़ें सीखी हैं, अगर आप में इसमें बहुत मज़ा आ रहा है तो आपको अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा, एक थम्स अप देना पड़ेगा और नीचे लिखना पड़ेगा कम से कम एसक्यूएल में बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ भी कीजिए आप, खाइए पिए सोइए, एसक्यूएल सॉल्व कीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना जाइए मत, एंड आपका प्यार दिखाने के लिए
आप ये वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल बड़ा छोटा है बट हिंदी में आप चाहते हैं वीडियो, इसलिए मैंने ये चैनल खोला है। तो इसलिए आप अगर प्यार देंगे तो और आगे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे और बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ लाते रहेंगे। और बहुत 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 सारे प्लान हैं, मज़ेदार प्लान हैं। आप थोड़े चैनल को बड़ा कर दीजिए तो थोड़ा बड़ा मज़ा आए, तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें तेज़ी तेज़ी से करेंगे और आप सबका सक्सेस ही मेरा सक्सेस है। तो इसीलिए चलते हैं, आज का वीडियो को इस तरह समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। और जब भी जो भी डेटा फील्ड में है वो अपना प्यार और दुलार रहिएगा। और इस तरह हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, बाय बाय।